अच्छा कम वैसे हो काफी गया महंगी होती है और हेल्दी होती है, बढ़िया है बोलते हैं कि इसकी जो शराब होती है वो काफी बढ़िया होती है। अच्छा नहीं मैंने तो नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट ऐसे है कि आज हमारे सब्सक्राइबर भी है और हम भी उनके सब्सक्राइबर हैं। तो रज्जू गालटा जो कि रोहड़ू से आई है, तो उनको हम सिरमौरी डिश टेस्ट करवाने वाले हैं। रोहड़ू से स्पेशली आए हैं ये यहाँ पर सिरमौर देखने के लिए। तो आइए मिलाते हैं आपको, चलते हैं नीचे की तरफ। तो अभी देखिए यहाँ पर रज्जू गालटा उर्फ गोलू पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और मम्मी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? एलोवेरा जल। इससे क्या बेनिफिट होता है भाई? इससे हमारे बाल मजबूत रहते हैं, झड़ते नहीं। अच्छा, तो स्पेशली आज का हमारा ये प्रोग्राम है कि रज्जू गालटा उर्फ गोलू को हम आज सिरमौरी डिश खिलाएंगे। तो आ जाइए आप किचन में, हाँ खिलाएंगे, भी टेस्ट करके पता लगेगा ना। मेरा तो आज फास्ट है। नहीं यार फास्ट है, तब कैसे, तब दिखाएंगे। तो ये है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं सिचावले। अच्छा, सिचावले पहाड़ी में है। ये कोदे का आटा होता है आपके? अच्छा। नहीं होता? होता है। हाँ, होता है कोदे, कोदे का आटा होता है, उससे बनाई गई है। तो इसका प्रोसेस है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है आज। और बाकी आप भी स्टार्टिंग कीजिए। गोलू भी वीडियो क्रिएटर है और ये भी वीडियो बनाते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, तो इनका चैनल है रचना गालटा, रज्जू गालटा ब्लॉग्स। और रोडू के ये हमें संस्कृति दिखाते रहते हैं, अक्सर हम देखते रहते हैं और इनके वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। तो अच्छे बनाते हैं वीडियो। तो अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप देखें और देखिए किस तरह की संस्कृति है वहाँ की। गोलू को मैं बता रहा था जस्ट ही इसके बारे में, तो इनके ब्लॉग में भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये डिश के बारे में बताया था कि ये हाटी की, हमारी हाटियों की पहचान है ये डिश। और इस तरह की बहुत सारी डिशेज यहाँ पर बनती है सिरमौर के अंदर। तो ये सिचावले है, और रोडू में भी हमने अलग से डिशेज खाई है, फोल्डू खाए हैं। और इसके अलावा रज्जू को मैं बता रहा हूँ, मैं बोलू को कि वहाँ पर मैं कोई 15 साल पहले आया था अपने दोस्त के साथ, वो शाकली नाम का गाँव है, ऊपर को पड़ता है आपको। तो वहाँ पर गए थे, वहाँ हमने फोल्डू खाए, बाकी और डिशेज को हमें नहीं पता। बाकी आप अपने ब्लॉग में दिखाते रहे हमें। तो इसे झगड़े का जून भी कहा जाता है। झगड़े का जून इसलिए कहा जाता है कि इसको बनाने में काफ़ी मशक्कत लगती है। और पिछले तीन दिन से आज ही मैंने सुबह ये वीडियो अपलोड की है इसके बारे में, सिचावले के बारे में। तो आप देख सकते हैं, जाकर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मम्मी हमें थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। मम्मी बताओ, आप प्लीज खुल के बताओ। हरिपुर धार से आगे इसको जो देवी कहा। अच्छा, हरिपुर धार से ये जो अगला एरिया है पोरक साइड, वहाँ पर इसे जोदे कहा जाता है। तो भी हमारे हाटी भाई है, बन रही है वो भी उधर को भी अपना हाटी समुदाय रह गया है। तो जो ये गिरी नदी है ना, गिरी नदी जो सिरमौर और सोलन को डिवाइड करती है, तो गिरी नदी से जो इधर का क्षेत्र है वो हाटी समुदाय में आता है। तो गोलू से भी हम पूछना चाहेंगे, जो ये जिसे कोदा होता है आपके, मैं वो भी आपने अभी बताया जस्ट, तो कोदे की आपके क्या डिशेज बनती है? कोई ऐसी स्पेशल डिश बनती है वहाँ पर रोडू में? कोदे की तो जो मतलब डिश होती है वो तो रोटी, मतलब रोटी। अच्छा, रोटी यही बनती है? रोटी बनती है और क्या बनता है, उसका सूप भी बनता है। अच्छा। और शराब भी बनती है कोदे की। हाँ, फेमस शराब होती है वैसे। अच्छा। कोदे की। हाँ, और बस यही सब चीजें बनती है ज्यादा। तो पहले के जमाने में बहुत सारा कोदा होता था ना, तो हाँ। बड़े बुजुर्ग होते, जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे उनको तो पता है इसके बारे में, ज्यादा नहीं। अब इसकी पैदावार कम हो गई, काफी महंगी होती है और हेल्दी होती है, बढ़िया बोलते हैं कि इसकी जो शराब होती है वो काफी बढ़िया होती है। अभी भी होती है ना, जो हमारा चौहारा मतलब चौहारा इलाका है ना, वहाँ पे इसकी जो शराब बनती है। हाँ, आपका काफी ट्रेडिशनल चीजें वहाँ चलती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से गोलू है तो जो रोड बढ़िया, मतलब बढ़िया शराब होती है। गोलू बता रही है कि बढ़िया शराब की होती है, पर टेस्ट इन्होंने नहीं किया। लेकिन
दर्शकों से ये बताओ कि शराब कभी अच्छी चीज नहीं होती। हाँ जी हाँ जी, शराब है वो तो जैसे कि आपको पता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कहा जाता है कि शराब अच्छी होती है बट अच्छी नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर भी शायद बोलते हैं कि थोड़े बहुत शराब शायद सेहत के लिए अच्छी भी होती है। हाँ, आफ्टर 40 इयर्स लिमिट होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा बोल रही हूँ शराब तो आप शराब पियो, मतलब ऐसे ही कि दड़ल्ले से शराब पिया जा। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इस चीज की जो कोदा है उसकी शराब भी बनती है। हाँ, तो ये चीजें आपके इसकी बनाई जाती है, बनाई जाती है। हाँ, अभी तो कोदे क्या टिक क्या बनती है? कदवान भी बनती है। कदवान कदवान वो क्या चीज होती है? उसमें मुझे पता है ऐसे पत्ती पत्ती लेह की तरह बनाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अरबी 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 के साथ है, अरबी के उबली अरबी के साथ बनती है और बहुत टेस्टी होती है। खाने में नमक डाल के मसाले डाल के मतलब बहुत टेस्टी। मुझे तो नहीं पसंद है पर मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। मेरे को बहुत पसंद है। यहाँ पर कम से कम वो एक थाली नहीं दो दो थालियां खा जाते। अच्छा, मेरे वाली स्टोरी तो बता दो वाली कि मैं क्या करता था बचपन में कोदे के लिए, कितना डेस्पिरेट था मैं कोदे। तो अभी मम्मी एक स्टोरी शेयर करेंगे जो कि मेरे बचपन का इंसिडेंट है। एक बार क्या होता है कि हमारे पास आरा मशीन और चक्की होती थी। एक बार पीसा जाता था और उसमें क्या हुआ कि बेटा मेरा अपना सतवीर जो है ये बंटी वो वहाँ पे जाके वापिस आके इतना सा कोदे का आटा लेके आता है, बोलता है कि मम्मी मेरे लिए इन गेहूं के आटे की फुल्के। हाँ, मुझे नहीं पता था भाई कि गेहूं है कि कोदा है। इस गेहूं के आटे के फुल्के बना के दो मुझे खाने को। आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन, क्योंकि जब ये पेट में था मेरे तब मैंने वही कोदे की रोटी खा के बहुत ज्यादा मेरी सासू माँ ने बहुत खिलाई है मुझे। हाँ, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ये चीजें ढूंढता रहता हूँ। हाँ। और मुझे इसे, काफी अच्छी लगती है, बहुत पसंद है ये कोदे की चीजें खाने। तो गोलू को कैसा लगा सिरमौर? मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सिरमौर। वैसे ये जैसा हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, बाकी तो लोकेशन तो लोकेशन वगैरह सब कुछ वैसी है ऑलमोस्ट। तो सबसे बड़ी चीज लोग यहाँ के बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। हमारी मैम है तो मैम हमारे ओनर है पर माँ की तरह ही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अपना घर ही है या ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मतलब फैमिली की तरह ही है यहाँ पे सब कुछ, कुछ भी अलग नहीं है। तो गोलू वगैरह देख रहे हैं, गोलू मम्मी देख रहे हैं मेरा ब्लॉग और जो कि मैंने जस्ट ही अपलोड किया है। वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे नए तूफानी अंदाज में। और मैं अभी जा रहा हूँ सोलन, मम्मी की गाड़ी की सर्विस कराऊंगा। फिर मिलते हैं वापिस आके कल सुबह 9 बजे यहाँ। बाय बाय।